हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से बच्चे चले गए स्कूल, आज मंडे है, तो आज हमारे यहाँ पे शीतला माता पूजी जाएगी। तो माता पूजने के लिए जो जो चाहिएगा वो मैंने तैयारी कर ली है। पूड़े चाहिएंगे सबसे पहले, तो पूड़े बनने लग रहे हैं। और ये इस तरह से आटे के कुछ ये बनते हैं, साथ ये गोल गोल बनती है, साथ ये इस तरह से लंबे लंबे, साथ इस तरीके से ये पूरी की तरह, और पूड़े होते हैं और आटे के साथ दिए बनते हैं। इनमें देसी घी रखा जाएगा क्योंकि वहाँ जोत तो होती है नहीं, ठंडी ही पूजा बन मतलब होती है माता की। और पतासे पोड़े और कुछ दाल है, बिनोले है जो मैंने भिगो के रख दिए, वो भिगो कर ही जाते हैं। ये गुड़ भेज दिया था मैंने सुबह जब उठी थी, बच्चों के लिए मैंने बनाया था लंच। तो आज मैंने लंच में उनको आलू की पूरी दी है क्योंकि आज तवा नहीं रखा जाएगा, तो उनको पूरी दे दी थी। अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने पूड़े बनाने कर दिए स्टार्ट क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा, तो टाइम से ही जाएंगे चाची जी घर के साथ में जाएंगे पूजने के लिए। अगर मौसम सही रहा तो मैं वहाँ की क्लिप बनाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं बनाने क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं, कोई बना दे, बच्चे भी स्कूल चले गए या फिर पल्ला करके जाना होता है, सामान भी हो जाता है कितना सारा, तो बनानी मुश्किल हो जाए। तो इसलिए बने रहिए फ्रेंड ब्लॉग में एंड तक का, देखते रहिए कैसे कैसे क्या क्या पूछते हैं, बस मैं यहाँ का तो आपको दिखाई रही। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने आटा छान के रख लिया है, परात में गेहूं का आटा है ये, और ये गुड़ भिगो दिया था मैंने सुबह जब उठी थी। मैं बच्चों के लिए मैंने लंच बनाया था, तो इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, जो थोड़ा बहुत गुड़ रह रहा होगा हाथ से मिक्स कर दूँगी, और इसको छान लेंगे इस घोल को हम आटे में। आटा मैंने इस भिगोने में कर लिया जिससे कि अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे, और इसका ना हमें घोल से तैयार करना है बैटर, तो वो ना ही ज़्यादा मतलब टाइट रहना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला, जिसके हम पूड़े बनाए और इसको ना अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हाथों से, एक ही साइड को फेंटना है जिससे कि हमारे पूड़े ना बहुत अच्छे नरम नरम से बनेंगे। और यहाँ पे जो मेरा गुड़ वाला घोल था वो थोड़ा कम लग रहा था मुझे, आटा टाइट सा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा और छान लिया है, और अभी इसको फिर से मिक्स कर देंगे। तो जो इसका बैटर है ना पूड़े बनाने का, तो ये हमें थोड़ा नॉर्मल सही रखना है, मतलब ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा पतला, जो ज़्यादा पतला करेंगे तो उसके भी फिर कैड़े कैड़े से पूड़े बनेंगे। और इसको हाथों से थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे जिससे कि नरम नरम पूड़े बनेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सोप भी इसमें ऐड कर दिया, सोप डालने से ना पूड़े बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। वैसे भी मुझे ना पूड़े हुए ही इस तरह की चीज़ें, मीठी पूरी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में और तो ज़्यादा कोई खाता नहीं लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें सोप भी मिक्स कर दी है। सोप गिरने से एक तो क्या है कि टेस्ट बढ़ जाता है और फिर ये चीज़ें ना नुकसान भी नहीं देती है। तो अभी तेल भी बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका था सरसों का, तो मैं इसमें इस तरीके से करके छोटे छोटे से पूड़े डाल दूँगी हाथों से ही। और ये मैंने पूरी कढ़ाई भर दी है, जितने इसमें आने थे वो सारे पूड़े मैंने डाल दिए हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा आटा और बना लिया है, ये थोड़ा मैंने टाइट सा आटा बनाया है क्योंकि इसमें ना हमें पूजा करने के लिए कुछ सामान बनाने हैं, साथ इसमें मुझे दिए बनाने हैं और जो जो वहाँ चाहिएगा वो भी बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाया है। ये देखिए यहाँ पे ये साथ मैंने इस तरीके से गोल गोल से बनाए हैं, लंबे लंबे साथ दिए और साथ छोटी छोटी सी पूरियाँ। तो इनको अभी पूड़े हमारे बढ़िया तरीके से हो गए हैं, तो देखिए इनको निकाल लेते हैं। ये जो मैंने आटे से बनाई है इनको मैं बस इसमें अधकचरा सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा देर नहीं, बस डाल दूँगी और एकदम तुरंत इसमें से निकाल लूँगी। तो इस तरीके से ही करके लेके जाते हैं, मैंने घर में ऐसे ही देखा है, तो ऐसे ही मैं बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई मतलब कमी हो तो आप लोग बता देना, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही करते हैं, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो पूड़े मैंने उतार के रख लिए हैं दूसरी साइड में, और दाल वगैरह जाती है वो भी मैंने भिगो के रख दी है क्योंकि सब मतलब भिगो कर ही जाता है, दिए भी जो है ना वहाँ पर जलाए नहीं जाते, ऐसे ही जाते हैं क्योंकि जो माता होती है ना वो ठंडी पूजती है, तो वहाँ पे माचिस वगैरह का कोई यूज़ नहीं होता, बस ऐसे ही रख के आ जाते हैं। तो वो जो मैंने बनाया था उनको मैंने अध कचरा सा कढ़ाई में को निकाल लिया है, और जो बचा हुआ बैटर था इससे पूड़े बना लिए और भी।
तो देखिए यहाँ पे सारे पूड़े बन चुके हैं। ये पतासे है जो चाहिएंगे, और ये दाल है, ये मसूर की दाल, चने की दाल, और ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रही थी ये है बिनोले, जो मतलब पशुओं को देते हैं, तो वो भी मैंने भिगो के इसमें रख लिया। ये साथ दिए है बत्ती और घी रख लिया, हल्दी है वहाँ पर सतिया बनाने के लिए, और कुछ खुले पैसे लेके जाएंगे जो कि वहाँ चाहिएगा। ये जल है, दूध डाल के रख लिया है डब्बे में जो माता रानी को नहलाने के लिए चाहिएगा। तो जी अभी मैं आ चुकी हूँ पूज कर, वहाँ के मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि कोई था नहीं और मौसम भी ख़राब हो रहा था, हल्का हल्का सा जारा पड़ रहा था, तो इसी वजह से बस मैंने घर का ही दिखाया जो मैं सामान लेके गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ आलू की कचौरी। वैसे जो पूरी बनाते हैं उसको तो पूरी बोलते हैं, लेकिन जो आलू भर के बनाते हैं उसको आलू की कचौरी बोलते हैं। तो अभी इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक मिर्च और कुटा हुआ धनिया, तो इनको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने सुबह भी आलू कचौरी बनाई थी लेकिन बच्चों के लायक ही आलू में, तीन चार आलू में मैंने नमक मिर्च मिला के बना के दी थी, क्योंकि जो अगर मैं सुबह बना के मसाले मिक्स करके रख देती ना तो इसमें वो हो जाता, फिर पानी सा छोड़ देगा आलू, तो इसीलिए मैंने ये रख लिए थे। और ये यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी इसमें मिक्स कर दिया, और अच्छे से देखो मैंने बिल्कुल मसल मसल के इसको बढ़िया बना दिया, जिससे कि हमारी पूरी ना फुली फुली आएगी, इसमें कोई वो नहीं आने का, जैसे आलू की गांठ सी आ जाती है ना, मोटे मोटे से आलू रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये मैं थोड़ी सी दही ली है, एक लोटे में निकाल ली थी अलग से, तो इसको मिक्स कर लेंगे और दही से ही खाएंगे आलू की पूरी, दोपहर में दही से ही अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने जीरा भून के रखा हुआ है, जीरा डाल दूँगी, नमक और मिर्च, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, और इसको रख देंगे फ्रिज में। फिर अपना ये जो पूरी का मैंने बना के रखी हुई है पिट्ठी, तो आटे में भर के बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रायता भी तैयार कर दिया है, इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है जिससे कि दही कम ना पड़े, और तीन चार लोग हैं हम तो तीनों चारों के लिए पूरा हो जाएगा। दोपहर में ना चाय के साथ भी कचौरी अच्छी नहीं लगती, आलू के पराठे हुए और ये कचौरी हुई तो दही के साथ अच्छी लगती है। आ गई हूँ मैं माता पे से पूजा वूजा करके, आके सबसे पहले मैंने सूट निकाला कि और सूट सॉरी साड़ी निकाल ली, क्योंकि एक तो बारिश होती है, एक माना जब माता को नहीं लगते तो पानी पानी से होता है, नीचे से जो साड़ी का खोल है ना सारा गिल्ला हो गया था, तो वो चेंज की फिर सूट पहनना। अभी बना रही हूँ आलू की कचौरी, सारी तैयारी तो मैं करके चली गई थी नहीं, घर में जो जो सामान मतलब माता पूजने में चाहिए होता है वो सब मैंने बना दिया था। तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि गुलगुले क्या होता है, तो मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि गुलगुले क्या होते हैं। गुलगुले यही होते हैं, इनको पूड़े भी बोलते हैं, और ये खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने आलू की कचौरी बनानी कर दिया तैयार, तेल हो गया है बढ़िया तरीके से गरम, मैंने रख दिया था कढ़ाई में, और ये देखो कैसी फूली फूली और क्रिस्पी सी आलू की कचौरी हमारी बन के हुई है तैयार। अगर हम अपनी पिट्ठी को ना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसमें मोटे मोटे आलू नहीं छोड़ेंगे, तो एक पूरी ना बिल्कुल भी फटेगी भी नहीं, उसमें आप कितनी भी पिट्ठी ऐड कर लो भर लो तो बिल्कुल नहीं फटेगी और फूली फूली पूरियाँ बनेगी। तो ये देखिए मैंने इसमें इतनी सारी पिट्ठी ली है और इसमें भर दिया, ये जो चारों तरफ आटा बचा है इसको हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे दबाते हुए ऊपर की साइड में उसे बंद कर देंगे ऐसे, और बस इस तरीके से बनाएंगे हम। बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि ये बहुत ही मैंने ना नरम आटा बनाया है और इसमें पिट्ठी भी भरी हुई है, तो बहुत जल्दी से हमारी बन जाएगी पूरी और फुली फुली पूरियां बनती है। इतना ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत से बोलते हैं ना कि हमारी पूरियां फट जाती है, आलू निकल जाते हैं और पराठे भी फट जाते हैं, डबल पराठे बनाते हैं ठीक रहें, तो मैं सिंगल भी बना लेती हूँ डबल भी, और पूरियाँ भी देखो कैसी फुली फुली पूरियाँ बन के आ रही है आलू की, और पिट्ठी आप इसमें कितनी भी भर लो, मतलब
काफ़ी ज़्यादा भी भर लो तो तब भी फटेगी नहीं बिल्कुल भी। इसी तरीके से बनाएंगे तो आलू ना बिल्कुल मिक्स होने चाहिए, और आलू में मतलब नमक मिर्च है ना तभी मिक्स करना, तब जब आप बनाओगे, बना के ना रखे, क्योंकि आलू फिर पानी छोड़ देते हैं और फिर वो चिपकने लगते हैं, वो फट जाता है, इसीलिए तो फटते हैं फिर पूरी हमारी। तो देखिए हमारी ये वाली पूरी भी कैसे फूल के आई। और बस इसी तरीके से मैं थोड़ी सी छोटी सी बेलूँगी, उसमें बीच में पिट्ठी रखूँगी, ऐसे हाथ से दबाते हुए हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और ऐसे बेल देंगे तो हमारी पूरी झटपट से बन के हो जाएगी तैयार, कचौरी मतलब की आलू की। और बस अभी सारी कचौरी मैंने उतार के रख ली है साइड में, ये खा लेंगे और बच्चों के लिए मैं रख दूँगी, जब आ जाएंगे तो खा लेंगे। तो मैं साथ के साथ गैस भी साफ़ कर रही हूँ अभी, वैसे मैं साबुन से साफ नहीं कर रही हूँ जैसे विम वगैरह से करते हैं, बस अभी वैसे ही कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना तेल की छीट छीट सी हो गई थी सारे पे, चिकनी हो गई थी गैस भी और स्लेब भी, तो मैं हल्का सा इससे पूंछ दूँगी और फिर बाद में जब गैस ठंडी हो जाएगी तो जब करूँगी मैं इसको जूने से अच्छे तरीके से साफ़, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लीन सा करके छोड़ दूँगी, ऐसे अच्छा सा भी नहीं लगता, ऐसे पड़ी रह गैस, और बहुत ही चिकनाहट सी होगी थी ना, तेल वगैरह का कोई काम करे तो जो पीछे टाइल्स लगी है इन पे भी छींटे आ जाते हैं और स्लेब पे भी गैस पे भी। तो मैं थोड़ा सा इसको ना क्लीन सा कर दूँगी, और अभी ये पूरी पड़ी हुई है इसमें, ये भी धीरे धीरे से होती रहेगी, इसको भी निकाल के रख दूँगी और थोड़ा स्लेब भी वो कर दूँगी क्लीन सा, क्योंकि ओपन है किचन, फिर कोई ना कोई आ जाए तो वो ऐसे पड़ा हुआ फैला हुआ अच्छा सा नहीं लगता, तो थोड़ा सा संगवास ही दूँगी, फिर बाद में जब गैस ठंडी हो जाएगी अच्छे तरीके से तब क्लीन करूँगी मैं इसको। तो जी यहाँ पे सारी पूरियाँ देखो यहाँ पे रखी है, मैं इनको रख दूँगी दबा कर, मतलब ये गर्म ही रहेगी, जब बच्चे आएंगे ढक कर रख दूँगी, और गैस मैंने बंद कर दिया, तेल ठंडा हो जाएगा। ये हमारी दोपहर की थाली है जो लग चुकी है, चौधरी साहब को दूँगी मैं, ये पूरियाँ है दही है। तो व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर।